नमस्कार, मैं हूँ प्रिया और आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने मुंबई जैसी चकाचौंध में भी अपनी चमक और रोशनी बिखेर कर अपने साथ साथ बिहार का नाम भी रोशन किया है। इस क्रम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे उदित नारायण की। उदित नारायण के गाने सीधे साधे को आशिक बना दे और आशिकों की आशिकी अलग जर्रे पर पहुंचा दे। जीता था जिसके लिए, चाहा है तुझको, पहला नशा जैसे एवरग्रीन गानों ने बड़ों से लेकर बूढ़ों तक का मन मोह लिया है। वहीं 1980 के दौर में मोहम्मद रफी के साथ 19-20 फिल्म के लिए गाकर अपने करियर की शुरुआत करने वाले उदित नारायण का जन्म कहीं और नहीं बल्कि बिहार के सुपौल जिले में हुआ था। मगर उदित की पहचान तब बनी जब उन्होंने पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा गाने को गाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उदित नारायण ने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ओडिया, नेपाली, भोजपुरी, बंगाली जैसे गाने भी गाए हैं। अब हम बात करेंगे गुरमीत चौधरी की। रामायण सीरियल के राम को कोई कैसे भूल सकता है। एक तो इतना रमणीय पात्र, ऊपर से उस भूमिका को निभाते हुए गुरमीत चौधरी। राम के किरदार से मशहूर हुए गुरमीत चौधरी का जन्म बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। रामायण से मशहूर हुए गुरमीत को अपने एक्टिंग करियर में काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें धीरे धीरे टीवी की दुनिया में जगह बनाने का मौका मिला, जहाँ गुरमीत ने गीत और पुनर्विवाह जैसे सीरियल्स में काम करने का मौका मिला, जिसके बाद गुरमीत कई रियलिटी शोज का भी हिस्सा बने। टीवी इंडस्ट्री के बाद गुरमीत चौधरी ने बॉलीवुड में एंट्री मारी, जहां बतौर लीड एक्टर खामोशिया फिल्म का हिस्सा बने। इस फिल्म के बाद गुरमीत कई और फिल्मों में भी मुख्य किरदार की भूमिका में नजर आए। अब अगले हैं शेखर सुमन। टीवी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले शेखर सुमन का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 7 दिसंबर 1962 में हुआ था। वैसे शेखर एक गायक और निर्देशक भी हैं। इसके अलावा शेखर सुमन को कई कॉमेडी शोज को जज करते भी देखा गया है। हालांकि शेखर सुमन का फिल्मी करियर चंद लम्हों का महज मेहमान बनकर रह गया था, लेकिन उन्हें उनकी एक फिल्म एक राजा एक रानी के लिए बेस्ट एक्टर्स आशीर्वाद अवार्ड से नवाजा गया था। इस क्रम में अब हम आगे बात करेंगे इम्तियाज अली की। रॉक स्टार, तमाशा, लव आजकल, हाईवे, जब वे मेट, जब हैरी मेट सेजल जैसी कुछ फिल्में हैं जिनको जितनी दफा भी देखो मन नहीं भरता। ये कुछ ऐसे फिल्में हैं जिनके डायलॉग्स ने लोगों के दिमाग पर अलग ही छाप छोड़ी है। अक्सर हम जब भी फिल्मों की बात करते हैं तो हम बस उनके एक्टिंग टाइमिंग की तारीफ में ही कहीं उलझ के रह जाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि फिल्में बिना डायलॉग्स और बिना निर्देशन के बन ही नहीं सकती। तो अब हम उसी निर्देशक, लेखक और प्रोड्यूसर की बात करेंगे। आज हम सबसे पहले इम्तियाज अली की बात करेंगे। इम्तियाज अली का जन्म बिहार के जमशेदपुर जिले में 16 जून 1971 में हुआ था। इम्तियाज ने अपना सर बचपन राजधानी में बिताया था, जहां से उन्होंने अपनी प्रारंभिक और उच्च स्तरीय शिक्षा भी ली थी। एक समय था जब इम्तियाज स्कूल में फेल हो गए थे और वो एक समय था जब इम्तियाज ने हर किसी से अपनी बातचीत का सिलसिला बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें अपने विफलता के लिए बेहद ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। किसने सोचा था जो इंसान आज स्कूल में फेल हुआ है वो कल एक बड़ा निर्देशक बनकर उभरेगा। अगले है प्रकाश झा। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर फिल्मों का प्रकाशन करने के जाने जाते हैं प्रकाश झा। प्रकाश झा इंडस्ट्री के जाने माने निर्देशक में से एक है। प्रकाश झा का जन्म बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई बिहार और दिल्ली से की है, मगर उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर मुंबई में अपना करियर बनाने के लिए निकल पड़े थे। मुंबई में प्रकाश धर्मा फिल्म के साक्षी बने थे, जिसके बाद से ही उन्होंने फिल्मों के निर्देशन का फैसला लिया था। निर्देशन में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने फिर 1973 में पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया था। उनकी सबसे पहली फिल्म बतौर निर्देशक थी 1984 में आई दामुल। फिर 1997 में उनकी अगली फिल्म आई मृत्युदंड। प्रकाश झा का निर्देशन का तरीका बाकी सारे निर्देशकों से काफी अलग माना जाता है। राजनीति, गंगाजल, आरक्षण, चक्रव्यूह और सत्याग्रह इस बात का प्रमाण है। अब अगले हैं अभिमन्यु सिंह। बॉलीवुड से लेकर तेलुगु फिल्म में हमने इनकी प्रतिभा को देख रखा है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अभिमन्यु सिंह का जन्म भी बिहार के सोनपुर क्षेत्र में हुआ था, जबकि उन्होंने अपनी पढ़ाई नई दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से की थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में साल 2001 में अपना पहला कदम रखा था, लेकिन फिल्मों की दुनिया में उन्हें सबसे पहला ब्रेक साल 2009 में अनुराग कश्यप की गुलाल फिल्म से मिला, जिसके लिए उन्हें साल 2010 में स्टारडस्ट अवार्ड से नवाजा गया था। अब आगे हम बात करेंगे अखिलेंद्र मिश्रा की। 90 के दशक के टीवी पर प्रसारित होने वाले रामायण के रावण और चंद्रकांता सीरियल के क्रूर सिंह को कोई कैसे भूल सकता है। धार्मिक किरदारों से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले अखिलेंद्र मिश्रा मूल रूप से बिहार के निवासी हैं। अखिलेंद्र का जन्म बिहार के सिवान जिले में 28 सितंबर 1960 में हुआ था। उन्होंने अपने टीवी का सफर 1990 से शुरू किया था, जिसके बाद उन्हें कई सीरियल्स में नकारात्मक रोल्स को अदा करते देखा गया। कई सालों बाद अखिलेंद्र मिश्रा को फिल्मी जगत में काम करने के ऑफर्स भी आने लगे। 1999 में आई सरफरोश फिल्म में उनकी बॉलीवुड में अलग ही पहचान बना दी, जिसके बाद एक के बाद एक फिल्मों में अहम किरदार के रूप में नजर आते गए।
अब आगे हम बात करेंगे सुशांत सिन्हा की। इनके करियर की शुरुआत भी टीवी सीरियल्स की दुनिया से ही हुई थी। स्टार प्लस के शो किस देश में है मेरा दिल में इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। सुशांत ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई भी बिहार से ही की थी। जिस देश में है मेरा दिल के बाद सुशांत ने जी टीवी के पवित्र रिश्ता में मानव का किरदार निभाया था। इस सीरियल के बाद सुशांत सिंह राजपूत की पहचान टीवी इंडस्ट्री के साथ साथ घर घर में होने लगी। इस सीरियल में सुशांत ने काफी लंबे समय तक काम किया। सुशांत की अगर हम एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले बात करें तो सुशांत इंजीनियरिंग के छात्र थे। उन्होंने एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमाने से पहले श्यामक दावर की डांस क्लास को ज्वाइन किया था, जहां से उन्हें एक्टिंग की दुनिया में जाने का ख्याल अपने मन में आया। सुशांत ने न सिर्फ टीवी की दुनिया में अपना लोहा मनवाया बल्कि काई पोचे, पीके, एमएस धोनी, शुद्ध देसी रोमांस, राबता, केदारनाथ जैसी फिल्मों में अपना दमखम भी दिखाया है। अब हम आगे बात करेंगे संजय मिश्रा की। संजय का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। संजय ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई बिहार से ही की थी। संजय का जीवन भी बाकी स्टार्स के जीवन की तरह ही काफी संघर्ष भरा रहा। फिल्मों में काम करने से पहले संजय ने काफी सारे विज्ञापन का हिस्सा भी रहे हैं। काफी मुशक्कत और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार साल 1991 में संजय को महानायक अमिताभ बच्चन जी के साथ खड़े होने का मौका मिला था और वो विज्ञापन मिरिंडा का था। संजय मिश्रा ने 1995 में ओ डार्लिंग ये है इंडिया में काम करने का मौका मिला था, जिसमें उन्होंने एक बेहद ही छोटा सा रोल प्ले किया था। ज्ञात हो इस फिल्म में संजय मिश्रा एक हारमोनियम प्लेयर का किरदार निभा रहे थे। फिल्मों में काम करने के बाद संजय ने टीवी की दुनिया में सत्या और दिल से जैसे सीरीज में भी काम किया है, जिसमें उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें ऑफिस नामक एक सीरीज में काम करने का मौका भी मिला था। अब आगे हम बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा की। खामोश से प्रचलित हुए शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म बिहार की राजधानी पटना के पटना साहिब में हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा उन शख्सियत में से एक है जिन्होंने अभिनेता के रास्ते को छोड़कर नेता बनने के रास्ते पर अग्रसर हुए थे। इस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस पार्टी के साथ राजनीति में सक्रिय है। वहीं हम शत्रुघ्न सिन्हा के बॉलीवुड करियर की बात करें तो सिन्हा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत प्रेम पुजारी से की थी। उसके बाद 1969 में उन्हें साजन फिल्म में काम करने का मौका मिला। हालांकि उनकी पहली फिल्म यानी कि प्रेम पुजारी के रिलीज डेट डीले हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी दूसरी फिल्म साजन उनकी पहली फिल्म बन गई थी। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा प्यार ही प्यार, वन फूल, मनमोहन देसाई, रामपुर लक्ष्मण जैसी फिल्मों में भी काम किया है। अब अगले हैं पंकज त्रिपाठी। गैंग्स ऑफ वासेपुर, मसान और सेक्रेट गेम्स में इनके अभिनय के अंदाज की सराहना किए बिना कोई नहीं रह सकता। स्त्री फिल्म में भी इनके किरदार के लिए इनकी कई दफा सराहना की गई है। साथ ही साथ कई सारे अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया है। अपने अनोखे अंदाज के अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले पंकज त्रिपाठी का जन्म बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई भी बिहार में ही की थी। पंकज को बचपन से ही अभिनय करने का काफी शौक था, इसीलिए पंकज बचपन से ही अपने गाँव में किसी भी मेले में नाटक करने पहुँच जाते थे। पंकज ने अपने एक्टिंग जीवन की शुरुआत साल 2004 में रन और ओमकारा जैसी फिल्मों से की थी और तब से लेकर अब तक उन्होंने लगभग 40 फिल्मों में काम किया है। अलग अलग तरीके के किरदारों को निभाया है। पंकज की फुकरे, बरेली की बर्फी, न्यूटन, फुकरे रिटर्न्स में निभाए गए किरदार काबिले तारीफ है। पंकज त्रिपाठी को उनके अभिनय के लिए कई सारे अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। यहाँ तक कि पंकज को नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगले हैं मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी को एक्टिंग का गुरु मानते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि मनोज की अदाकारी बड़े नेचुरल लगती है। पंकज त्रिपाठी तो इन्हें अपना गुरु भी मानते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर राजनीति से चर्चित हुई मनोज बाजपेयी का जन्म बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज क्षेत्र के बेलवा गांव में हुआ था। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1994 में द्रोहकाल फिल्म से की थी, जिसमें उन्होंने बेहद ही छोटा सा रोल प्ले किया था। मनोज बाजपेयी को उनके अभिनय के लिए कई सारे अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो ये है बिहार के वो उभरते सितारे जिन्होंने अपने नाम के साथ साथ बिहार का नाम भी रोशन किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही अगर किसी प्रतिभा का नाम हमसे इस वीडियो में छूट गया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आप अपने विचार भी हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।